दोस्तों बी सक्सेस प्लस के यूट्यूब चैनल में मैं वीरेश कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। टॉपिक वाइज करंट अफेयर की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ने वाले हैं पद्म पुरस्कार के बारे में। 2020 में पद्म पुरस्कारों का वितरण हो चुका है। आइए देखते हैं पद्म पुरस्कार से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर जरूर करें। चलिए देखते हैं पद्म पुरस्कार 2020। जैसा कि पता होगा हर साल पद्म पुरस्कार का वितरण किया जाता है। सर्वप्रथम इसकी जो शुरुआत हुई थी वह 1954 से हुई थी। 1954 में सर्वप्रथम पद्म पुरस्कार का वितरण किया गया था। किस किस क्षेत्र में पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं? तो कला, समाज सेवा, विज्ञान, उद्योग, चिकित्सा, साहित्य और खेलकूद। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। तीन प्रकार के पद्म पुरस्कार भारत सरकार द्वारा दिए जाते हैं, जिनमें सबसे पहला है पद्म विभूषण, दूसरा पद्म भूषण, तीसरा पद्म श्री। ठीक है, और रैंकिंग भी इनकी क्रम से ही है। सबसे जो बड़ा है वो पद्म विभूषण है, उसके बाद पद्म भूषण है, फिर उसके बाद पद्म श्री है। चलिए देखते हैं कुछ नोट पॉइंट देखते हैं दोस्तों। भारत के सर्वोच्च सम्मान की अगर बात करें सिविलियन के लिए, तो जो हमारा पहला जो सिविलियन का जो सर्वोच्च सम्मान है वह है हमारा भारत रत्न। ठीक है, दूसरा है पद्म विभूषण, तीसरा पद्म भूषण, चौथा पद्म श्री। ठीक है दोस्तों, देखना, याद रखना। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे देखते हैं 2020 के पद्म पुरस्कारों की गणना देखते हैं किस तरीके से की गई है। पद्म विभूषण कितने हैं, पद्म भूषण कितने हैं, पद्म श्री कितने हैं। टोटल 141 पुरस्कारों को इस बार वितरित किया गया, जिसमें पद्म विभूषण की संख्या 37, 7 पद्म विभूषण दिए गए और पद्म भूषण 16 और पद्म श्री 118। हमेशा पद्म श्री ही ज़्यादा मात्रा में दिए जाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं एक एक करके डिटेल में देखते हैं सबको। तो सबसे पहले देखते हैं पद्म विभूषण। पद्म विभूषण इस बार 7 व्यक्तियों को दिए गए हैं, जिसमें के हमारे सबसे पहले अरुण जेटली, इनको मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया गया है। ठीक है, जो दिल्ली से संबंध रखते हैं और लोक सेवा के क्षेत्र से पूर्व वित्त मंत्री रह चुके हैं हमारे अरुण जेटली। ठीक है, फिर उसके बाद सुषमा स्वराज, इनको भी मरणोपरांत दिया गया है। 2019 में इनका निधन हो गया था। ये भी दिल्ली से संबंधित हैं, लोक सेवा के क्षेत्र में पूर्व रक्षा मंत्री थी हमारी सुषमा स्वराज। ठीक है दोस्तों, मैंने सबसे पहले जितने भी मरणोपरांत हैं उनको ही लिखा है, क्योंकि इससे थोड़ी आसानी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। हमारे तीसरे हैं जॉर्ज फर्नांडिस। जॉर्ज फर्नांडिस, इनको भी मरणोपरांत दिया गया है, जो बिहार से संबंधित हैं, लोक सेवा के क्षेत्र में पूर्व रक्षा मंत्री और रेल मंत्री हैं थे हमारे जॉर्ज फर्नांडिस। ठीक है, चलिए आगे। विश्वेश तीर्थ स्वामी, इनको भी मरणोपरांत दिया गया है, जो कर्नाटक से संबंधित थे, अध्यात्म के क्षेत्र में पेजावर मठ के ये प्रमुख थे हमारे विश्वेश तीर्थ स्वामी। ठीक है दोस्तों, याद रखना। चलिए आगे देखते हैं एम सी मैरी कॉम को तो सभी लोग जानते होंगे, जो कि हमारी बॉक्सर हैं और ये मणिपुर से संबंधित हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अनिरुद्ध जगन्नाथ, यह मॉरिशस से संबंधित हैं, लोक सेवा के क्षेत्र में यह पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं मॉरिशस के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट और लास्ट हमारा सातवां, पंडित जन्नूलाल मिश्रा। पंडित जन्नूलाल मिश्रा उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं और कला के क्षेत्र में यह एक शास्त्रीय गायक हैं। ठीक है, इनको दिया गया है पद्म विभूषण। चलिए आगे देखते हैं, ये थे हमारे 7 व्यक्ति जिनको पद्म विभूषण दिया गया। अब बात करते हैं पद्म भूषण की, जो 16 व्यक्तियों को दिया गया है। तो दोस्तों 16 व्यक्तियों को याद करना थोड़ा कठिन होगा, क्योंकि आगे तो 118 आने वाले हैं पद्म श्री में, तो ऐसा तो है नहीं कि सभी को याद करेंगे। तो जो फेमस हैं, जो पॉपुलर थोड़े, मतलब जिनके नाम चर्चा में रहते हैं, उन्हीं को हम देखते हैं, जिनसे आने की संभावना अधिक है। ठीक है,
तो इसमें जो पद्म भूषण दिया गया है इसमें हम सबसे पहले देखते हैं आनंद महिंद्रा, आनंद महिंद्रा, महिंद्रा ग्रुप के अध्यक्ष हैं ये, महाराष्ट्र से संबंधित हैं आनंद महिंद्रा, इनको दिया गया है पद्म भूषण। दूसरे हैं हमारे मनोहर पर्रिकर, इनके बारे में कौन नहीं जानता, इनका भी निधन हो चुका है मरणोपरांत, इनको दिया गया है, गोवा के CM थे, ठीक है, लोकसेवा के क्षेत्र में मनोहर पर्रिकर को दिया गया है। तीसरी है हमारी PV सिंधु, इनको भी कौन नहीं जानता है, ये हमारे बैडमिंटन से रिलेटेड हैं और तेलंगाना की हैं, तेलंगाना की रहने वाली हैं PV सिंधु, ठीक है, इनको भी दिया गया है पद्म भूषण। और नेक्स्ट है वेणु श्रीनिवासन, TVS के चेयरमैन, तमिलनाडु से संबंधित हैं वेणु श्रीनिवासन, ये शायद वही हैं चेन्नई सुपर किंग के मालिक, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं पद्मश्री, पद्मश्री के बारे में मैं बताऊं एक बात कि यह सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही दिए जाने वाला सम्मान है, इसके अलावा जो पद्म भूषण और पद्म विभूषण से यह बाहर के लोगों को भी मिल सकता है, लेकिन पद्मश्री केवल भारतीय नागरिकों को ही दिया जाता है। 118 लोगों को इस बार पद्मश्री दिया गया, जिनमें जो हमारे देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट हैं और जो कुछ चर्चित व्यक्ति हैं उनके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले जहीर खान, जहीर खान को कौन नहीं जानता, ठीक है, इंडियन क्रिकेटर बॉलर जहीर खान, महाराष्ट्र से संबंधित पूर्व क्रिकेटर, ठीक है। रानी रामपाल, रानी रामपाल हॉकी की कैप्टन रह चुकी हैं हमारी रानी रामपाल, हरियाणा से संबंधित हैं, ठीक है। और तीसरा है जीतू रॉय, इस बार स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ ज़्यादा ही व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं दोस्तों। जीतू रॉय जो हमारे हैं उत्तर प्रदेश से, यह भी निशानेबाज हैं, और वैसे इनके बारे में मैं बताऊं यह नेपाल के मूल निवासी हैं, ठीक है, जीतू रॉय। आगे कंगना रनौत महाराष्ट्र से संबंधित हैं कला के क्षेत्र में, इन्हें दिया गया है पद्मश्री। एकता कपूर को दिया गया है, यह भी महाराष्ट्र से हैं, निर्देशक हैं। आगे करण जौहर, करण जौहर को भी सब लोग जानते हैं, यह हमारे फिल्म निर्देशक हैं महाराष्ट्र से। इसके बाद हैं अब्दुल जब्बार, इनके बारे में फ्रेंड्स आप लोग थोड़ा कम जानते होंगे, अब्दुल जब्बार, इनको मरणोपरांत दिया गया है, यह मध्य प्रदेश से संबंधित हैं, सामाजिक कार्यकर्ता। इन्होंने क्या किया क्या था कि जो भोपाल गैस त्रासदी जो 1984 में हुई थी, पता है आपको, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव होने के कारण वहाँ पर जो गैस फैल गई थी, वहाँ पे हजारों की तादाद में लोगों की मृत्यु हो गई थी, जो तो उस गैस त्रासदी से पीड़ितों के लिए जीवन भर इन्होंने संघर्ष किया अब्दुल जब्बार, ठीक है, तो इसलिए इनको दिया गया पद्म श्री। आगे देखते हैं, बस इतने ही थे व्यक्ति। एक नोट पॉइंट और है हमारा कि 8 व्यक्तियों को खेल के क्षेत्र में इस बार पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए हैं, ठीक है। जैसा कि हमने देखा पद्म पुरस्कारों में चाहे पद्म विभूषण हो, पद्म भूषण हो या पद्म श्री, सब में खेल से संबंधित व्यक्तियों को पुरस्कार दिए गए हैं, ठीक है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक वाइज करंट अफेयर का 4th वीडियो था, तो इसमें हमने पद्म पुरस्कारों के बारे में देखा। तो ऐसे ही दोस्तों बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए दोस्तों, ऐसे ही टॉपिक वाइज करंट अफेयर को मैं कवर कराने वाला हूँ बहुत जल्द, बहुत सारी वीडियो इसमें आने वाली है, और जितने भी टॉपिक से रिलेटेड करंट होगी मैं सबको इसमें कवर कराने वाला हूँ दोस्तों। बस आप जुड़े रहिए बी सक्सेस प्लस के साथ। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।